Good evening. We are dedicating 9 new medical colleges to Uttar Pradesh. This will greatly benefit crores of poor, Dalit, backward, exploited, deprived people of Purvanchal and the entire up, all section of society, and they will be spared from the troubles of visiting big hospitals in other cities. The country achieved a major milestone of 100 crore vaccine doses in its fight against the corona pandemic. Welcome to the week's episode of Prime Minister Speaking. Shortly after the attaining major milestone of administering 100 crore vaccines in the successful fight against the COVID-19 pandemic, India's health infrastructure received a booster dose in the form of the PM Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission on 25th October 2021. The scheme looks at providing medical treatment to the middle class and the poor segments of the society through an all-round development of India's healthcare system. The Ayushman Bharat Healthcare Infrastructure Mission is aimed at ensuring a robust public health infrastructure in both urban and rural areas, capable of responding to public health emergencies or disease outbreak. साथियों, देश के हेल्थ सेक्टर के अलग-अलग गैप को एड्रेस करने के लिए आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तीन बड़े पहलू हैं। पहला, डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट के लिए विस्तृत सुविधाओं के निर्माण से जुड़ा है। इसके तहत गांवों और शहरों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं, जहां बीमारियों को शुरुआत में ही डिटेक्ट करने की सुविधा होगी। इन सेंटरों में फ्री मेडिकल कंसल्टेशन, फ्री टेस्ट, फ्री दवा, ऐसी सुविधाएं भी मिलेगी। समय पर बीमारी का पता चलेगा तो बीमारियों के गंभीर होने की आशंका कम होगी। गंभीर बीमारी की स्थिति में उसके इलाज के लिए 600 से अधिक जिलों में क्रिटिकल केयर से जुड़े 35,000 से ज्यादा नए बेड्स तैयार किए जाएंगे। बाकी लगभग 125 जिलों में रेफरल की सुविधा दी जाएगी। राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए ट्रेनिंग और दूसरी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए 12 केंद्रीय अस्पतालों में जरूरी सुविधाएं विकसित करने पर भी काम हो रहा है। इस योजना के तहत राज्यों में भी सर्जरी से जुड़े नेटवर्क को सशक्त करने के लिए 24/7 चलने वाले 15 इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स भी तैयार किए जाएंगे। साथियों, योजना का दूसरा पहलू रोगों की जांच के लिए टेस्टिंग नेटवर्क से जुड़ा है। इस मिशन के तहत बीमारियों की जांच, उनकी निगरानी कैसे हो, इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। देश के 730 जिलों में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स और देश में चिन्हित 3,500 ब्लॉक्स में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स बनाई जाएगी। 5 रीजनल नेशनल सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल, 20 मेट्रोपॉलिटन यूनिट्स और 15 बीएसएल लैब भी इस नेटवर्क को और सशक्त करेगी। भाइयों और बहनों, इस मिशन का तीसरा पहलू महामारी से जुड़े रिसर्च संस्थानों के विस्तार का है, उनको सशक्त बनाने का है। इस समय देश में 80 वायरल डायग्नोस्टिक और रिसर्च लैब्स हैं।
इनको और बेहतर बनाया जाएगा। महामारियों में बायो सेफ्टी लेवल 3 की लैब चाहिए, ऐसी 15 नई लैब को ऑपरेशनल किया जाएगा। इसके अलावा देश में 4 नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और 1 नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ भी स्थापित किया जा रहा है। दक्षिण एशिया के लिए WHO का रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म भी रिसर्च के इस नेटवर्क को सशक्त करेगा, यानी आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के माध्यम से देश के कोने कोने में इलाज लेकर क्रिटिकल रिसर्च तक एक पूरा इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा। Prime Minister Narendra Modi will inaugurate 9 medical colleges in Uttar Pradesh. The 9 medical colleges to be inaugurated are situated in the districts of Siddharthnagar, Etah, Hardol, Pratapgarh, Fatehpur, Deoria, Ghazipur, Mirzapur and Vianpur. The PMO said in a statement, PM Modi will also launch Pradhan Mantri Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana at Varanasi. It aims to increase availability of health professionals, correct the existing geographical imbalance in the distribution of medical colleges, and effectively utilize the existing infrastructure of district hospitals. Bhaiyo aur behno, UP aur Purvanchal mein Aastha, Adhyatma और सामाजिक जीवन से जुड़ी बहुत विस्तृत विरासत है। इस विरासत को स्वस्थ, सक्षम और समृद्ध उत्तर प्रदेश के भविष्य के साथ भी जोड़ा जा रहा है। आज जिन 9 जिलों में मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया गया है, उनमें ये दिखता भी है। सिद्धार्थनगर में माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज, देवरिया में महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज, गाजीपुर में महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज, मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी मेडिकल कॉलेज, प्रतापगढ़ में डॉक्टर सोनेलाल पटेल मेडिकल कॉलेज, एटा में वीरांगना अवंतीबाई लोधी मेडिकल कॉलेज, फतेहपुर में महान योद्धा अमर शहीद जोधासी और ठाकुर दरियासिंह के नाम पर मेडिकल कॉलेज, जौनपुर में उमानाथ सिंह मेडिकल कॉलेज और हरदोई, ऐसे कितने 9 मेडिकल कॉलेज। ये सभी मेडिकल कॉलेज अब पूर्वांचल के कोटि कोटि जनों की सेवा करने के लिए तैयार है। इन 9 नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण से करीब 2,500 नए बेड तैयार हुए हैं। 5,000 से अधिक डॉक्टर और पैरामेडिकल के लिए रोजगार के नए अवसर बने हैं। इसके साथ ही हर वर्ष सैकड़ों युवाओं के लिए मेडिकल की पढ़ाई का नया रास्ता खुला है। साथियों, जिस पूर्वांचल को पहले की सरकारों ने बीमारियों से जूझने के लिए छोड़ दिया था, वही अब पूर्वी भारत का मेडिकल हब बनेगा। अब देश को बीमारियों से बचाने वाले अनेक डॉक्टर, ये धरती देश को डॉक्टर देने वाली है। जिस पूर्वांचल की छवि पिछली सरकारों ने खराब कर दी थी, जिस पूर्वांचल को
दिमागी बुखार से हुई दुखद मौतों की वजह से बदनाम कर दिया गया था, वही पूर्वांचल, वही उत्तर प्रदेश पूर्वी भारत को सेहत का नया उजाला देने वाला है। साथियों, यूपी के भाई बहन भूल नहीं सकते कि कैसे योगी जी ने संसद में यूपी की बदहाल मेडिकल व्यवस्था की व्यथा सुनाई थी। योगी जी तब मुख्यमंत्री नहीं थे, वे एक सांसद थे और बहुत छोटी आयु के वो सांसद बने थे। और अब आज यूपी के लोग ये भी देख रहे हैं कि जब योगी जी को जनता जनार्दन ने सेवा का मौका दिया तो कैसे उन्होंने दिमागी बुखार को बढ़ने से रोक दिया। इस क्षेत्र के हजारों बच्चों का जीवन बचा लिया। सरकार जब संवेदनशील हो, गरीब का दर्द समझने के लिए मन में करुणा का भाव हो तो इसी तरह का काम होता है। भाइयों और बहनों, हमारे देश में आजादी के पहले और उसके बाद भी मूलभूत चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं को कभी प्राथमिकता नहीं दी गई। अच्छा इलाज चाहिए तो बड़े शहर जाना होगा, अच्छे डॉक्टर से इलाज कराना है तो बड़े शहर जाना होगा, रात बिरात किसी की तबीयत खराब हो गई तो गाड़ी का इंतजाम करो और लेकर भागो शहर की तरफ। हमारे गांव देहात की यही सच्चाई रही है। गांवों के कस्बों में, जिला मुख्यालय तक में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुश्किल से ही मिलती थी। इस कष्ट को मैंने भी भोगा है, महसूस किया। देश के गरीब, दलित, शोषित, वंचित, देश के किसान, गांवों के लोग, छोटे छोटे बच्चों को सीने से लगाए इधर उधर दौड़ रही माताएं, हमारे बुजुर्ग जब स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं के लिए सरकार की तरफ देखते थे तो उन्होंने निराशा ही हाथ लगती थी। इसी निराशा को मेरे गरीब भाई बहनों ने अपनी नीति मान लिया था। जब 2014 में आपने मुझे देश की सेवा का अवसर दिया तब पहले की स्थिति को बदलने के लिए हमारी सरकार ने दिन रात एक कर दिए। जनमानस के कष्ट को समझते हुए, सामान्य मानवी की पीड़ा को समझते हुए, उसके दुख दर्द को साझा करने में हम भागीदार बने। हमने देश के स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने के लिए, आधुनिकता लाने के लिए एक महायज्ञ शुरू किया, अनेक योजनाएं शुरू की। लेकिन मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि यहां पहले जो सरकार थी उसने हमारा साथ नहीं दिया। विकास के कार्यों में वो राजनीति को ले आई, केंद्र की योजनाओं को यहां यूपी में आगे नहीं बढ़ने दिया गया। साथियों, यहां अलग अलग आयु वर्ग के बहन भाई बैठे हैं, क्या कभी किसी को याद पड़ता है? और याद पड़ता है तो मुझे बताना, क्या किसी को याद पड़ता है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी एक साथ इतने मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण हुआ हो? हुआ है कभी? नहीं हुआ है ना? पहले ऐसा क्यों नहीं होता था और अब ऐसा क्यों हो रहा है,
इसका एक ही कारण है, राजनीतिक इच्छा शक्ति और राजनीतिक प्राथमिकता। जो पहले थे उनकी प्राथमिकता अपने लिए कमाना और अपने परिवार की तिजोरी भरना था, हमारी प्राथमिकता गरीब का पैसा बचाना, गरीब के परिवार को मूलभूत सुविधाएं देना। साथियों, बीमारी अमीर गरीब कुछ नहीं देखती है, उसके लिए तो सब बराबर होते हैं, और इसलिए इन सुविधाओं का जितना लाभ गरीब को होता है उतना ही लाभ मध्यम वर्ग के परिवारों को भी होता है। साथियों, 7 साल पहले जो दिल्ली में सरकार थी और 4 साल पहले जो यहां यूपी में सरकार थी, वो पूर्वांचल में क्या करते थे? जो पहले सरकार में थे वो वोट के लिए नहीं, डिस्पेंसरी की कहीं छोटे छोटे अस्पताल की घोषणा करके बैठ जाते थे। लोग भी उम्मीद लगाए रहते थे, लेकिन सालों साल तक या तो बिल्डिंग ही नहीं बनती थी, बिल्डिंग होती थी तो मशीन नहीं होती थी, दोनों हो गई तो डॉक्टर और दूसरा स्टाफ नहीं होता था, ऊपर से गरीबों के हजारों करोड़ रुपए लूटने वाली भ्रष्टाचार की साइकिल। ये भ्रष्टाचार की साइकिल 2400 घंटे अलग से चलती रहती थी। दवाई में भ्रष्टाचार, एम्बुलेंस में भ्रष्टाचार, नियुक्ति में भ्रष्टाचार, ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार, इस पूरे खेल में यूपी में कुछ परिवारवादियों का तो खूब भला हुआ, भ्रष्टाचार की साइकिल तो खूब चली, लेकिन उसमें पूर्वांचल और यूपी का सामान्य परिवार पिसता चला गया। सही ही कहा जाता है, जाके पावन फटी बिवाई, जाके पावन फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। साथियों, बीते वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने हर गरीब तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए बहुत ईमानदारी से प्रयास किया है, निरंतर काम किया है। हमने देश में नई स्वास्थ्य नीति लागू की ताकि गरीब को सस्ता इलाज मिले और उसे बीमारियों से भी बचाया जा सके। यहां यूपी में भी 90 लाख मरीजों को आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज मिला है। इन गरीबों के आयुष्मान भारत की वजह से करीब करीब 1000 करोड़ रुपए इलाज में खर्च होने से बचे हैं। आज हजारों जन औषधि केंद्रों से बहुत सस्ती दवाएं मिल रही हैं। कैंसर का इलाज, डायलिसिस और हार्ट की सर्जरी तक बहुत सस्ती हुई है। शौचालय जैसी सुविधाओं से अनेक बीमारियों में कमी आई है। यही नहीं, देश भर में बेहतर अस्पताल कैसे बने और उन अस्पतालों में बेहतर डॉक्टर और दूसरे मेडिकल स्टाफ कैसे उपलब्ध हो, इसके लिए बहुत बड़े और लंबे विजन के साथ काम किया जा रहा है। Saying that the achievement was an answer to all those criticizing India's inoculation drive, Modi said, "Everyone is comparing India to other countries.
But remember, India's starting point was different. The other countries have always participated in medicine and vaccination for a long time, and everyone questioned whether India will be able to do the needful. 100 crore jabs is answered to all the questions. This was Prime Minister Narendra Modi's 10th address to the nation since March 2020. Sathiyo, 100 crore vaccine dose. ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है, इतिहास के नए अध्याय की रचना है, ये उस नए भारत की तस्वीर है जो कठिन लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करना जानता है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो अपने संकल्पों की सिद्धि के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करता है। साथियों, आज कई लोग भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तुलना दुनिया के दूसरे देशों से कर रहे हैं। भारत ने जिस तेजी से 100 करोड़ का 1 बिलियन का आंकड़ा पार किया है, उसकी सराहना भी हो रही है। लेकिन इस विश्लेषण में एक बात अक्सर छूट जाती है कि हमने ये शुरुआत कहां से की है। दुनिया के दूसरे बड़े देशों के लिए वैक्सीन पर रिसर्च करना, वैक्सीन खोजना, इसमें दशकों से उनकी महारत है, एक्सपर्टाइज थी। भारत अधिकतर इन देशों की बनाई वैक्सीनेशन पर ही निर्भर रहता था, हम बाहर से मंगवाते थे। इसी वजह से जब 100 साल की सबसे बड़ी महामारी आई तो भारत पर सवाल उठने लगे, क्या भारत इस वैश्विक महामारी से लड़ पाएगा? भारत दूसरे देशों से इतनी वैक्सीन खरीदने का पैसा कहां से लाएगा? भारत को वैक्सीन कब मिलेगी? भारत के लोगों को वैक्सीन मिलेगी भी या नहीं? क्या भारत इतने लोगों को टीका लगा पाएगा कि महामारी को फैलने से रोक सके? भांति भांति के सवाल थे, लेकिन आज ये 100 करोड़ वैक्सीन डोज हर सवाल का जवाब दे रहा है। भारत ने अपने नागरिकों को 100 करोड़ वैक्सीन डोज लगाई हैं, और वो भी मुफ्त, बिना पैसा लिए। साथियों, 100 करोड़ वैक्सीन डोज का एक प्रभाव यह भी होगा कि दुनिया अब भारत को कोरोना से ज्यादा सुरक्षित मानेगी। एक फार्मा हब के रूप में भारत को दुनिया में जो स्वीकृति मिली हुई है, उसे और मजबूती मिलेगी। पूरा विश्व आज भारत की इस ताकत को देख रहा है, महसूस कर रहा है। साथियों, भारत का वैक्सीनेशन अभियान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का सबसे जीवंत उदाहरण है। कोरोना महामारी की शुरुआत में ये भी आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि भारत जैसे लोकतंत्र में इस महामारी से लड़ना बहुत मुश्किल होगा। भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए ये भी कहा जा रहा था कि इतना संयम
इतना अनुशासन यहां कैसे चलेगा? लेकिन हमारे लिए लोकतंत्र का मतलब है सबका साथ, सबको साथ लेकर देश ने सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन का अभियान शुरू किया। गरीब अमीर, गांव शहर, दूर सुदूर, देश का एक ही मंत्र रहा कि अगर बीमारी भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं हो सकता। इसलिए यह सुनिश्चित किया गया कि वैक्सीनेशन अभियान पर वीआईपी कल्चर हावी न हो। कोई कितने ही बड़े पद पर क्यों न रहा हो, कितना ही धनी क्यों न रहा हो, उसे वैक्सीन सामान्य नागरिकों की तरह ही मिलेगी। With this, we wrap up this week's episode of Prime Minister Speaking. We will be back with it another week. Until then, this is Bindu Menon signing off. Thank you for watching and goodbye.